निहाल गुप्ता को शीर्ष वरीयता दी गई है, जबकि उमेश विक्रम कुमार भी दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। तो निहाल गुप्ता उत्तर प्रदेश के एक ऐसे एथलीट जिनका बहुत बड़ा नाम है पैरा बैडमिंटन की दुनिया में और एशियन गेम्स। कई मरतबा ऐसे पॉइंट पर आपको बहुत रिपेंट करना पड़ता है और यहाँ तीन बैक टू बैक पॉइंट मिल गए हैं देवराठी को। अच्छा मोराल बूस्टर होगा, बमुश्किल तमाम रिटर्न आया, बैक हैंड पर क्रॉस कोर्ट स्मैश के अंदाज में खेला देवराठी ने स्ट्रोक, तीन अंक लगातार उनको मिलते हुए। इस बार गलती की बारी उनकी है, बहुत ज्यादा हालांकि डिस्टेंस था नहीं, लगभग टेप से टकराई थी शटल। 10 ऑल, 30 निर्णायक गेम में। एक और अनफोर्स्ड एरर आता हुआ हार्दिक मक्कड़ की तरफ से और देवराठी जिन्होंने दूसरा गेम जीतकर इस मुकाबले को तीसरे गेम तक लेकर आए हैं, अब मिड गेम ब्रेक पर एक अंक ही सही लेकिन बढ़त पर हैं। और दोनों ही खिलाड़ियों के जो कोचेज हैं जरूर कह रहे होंगे कि आपको अब ब्रेक देने की जरूरत है, आपके पास प्रतिभा है और उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करिए, क्योंकि जो अनफोर्स्ड एरर देखने को मिले हैं हार्दिक की तरफ से और खास करके वो जो जंप स्मैश लगाना चाहते थे, आसान मौका था लेकिन अपने ही कोर्ट पर खेल बैठे, कहीं ना कहीं वैसा शॉट खेलने के बाद आप खुद से बहुत नाखुश हो जाते हैं, थोड़ी सी खींच भी हुई होगी उन्हें। और दूसरी तरफ देवराठी पिछड़ने के बाद जिस ढंग से वापसी की है, कमबैक किंग की तरह खेल रहे हैं इस मुकाबले में और पूरी तरीके से नाक में दम करके रखा हुआ है हार्दिक मक्कड़ के। अगले 10 से 15 मिनट में इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाता है, संभवतः उसी के नाम होगा गोल्ड मेडल। और जैसा कि शिवेंद्र बार बार कह रहे हैं, ये मुकाबला अगर आपको जीतना है तो अनफोर्स्ड एरर्स को कम करना होगा, जो कम गलतियां करेगा सोने का चमचमाता तमगा उसी के गले में जाता हुआ दिखेगा। मिड गेम ब्रेक के बाद इस फाइनल मुकाबले का फाइनल फेज। बढ़िया पॉइंट है ये, इसका न्यूमेरिकली सिर्फ एक ही अंक मिलना है लेकिन मोराल बूस्टर उस लिहाज से वजन काफी होगा। ब्रेक पर गए थे देवराठी 11-10 की बढ़त थी, इस समय 12-10, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया है उन्होंने, मोमेंटम बना करके रखना होगा। और ये सहयोग देते हुए हार्दिक मक्कड़ ब्लॉक करना चाहते थे फोर हैंड पर, ये पॉइंट नेट में उलझती हुई शटल। बहुत बढ़िया अंक लेते हुए इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज में ये रिटर्न, देखें ये बैक हैंड पर लिफ्ट करने के अंदाज में और उसको चूंकि सही हाइट पर और बिल्कुल मिड कोर्ट में मिली थी शटल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इन दोनों में से कोई खिलाड़ी 5 पॉइंट की लीड दे चुका होगा। 15-10 से देवराठी आगे हैं, सेकंड सीडेड है, ओवर हेड क्रॉस कोर्ट स्मैश आता हुआ, बड़ा डिफिकल्ट शॉट होता है और अगर सही एग्जीक्यूशन हो तो पूरे नंबर से भी ज्यादा मिलने चाहिए। इस बार थोड़ा सा मोमेंट नेट पर क्वेश्चनेबल रहा देवराठी का, हार्दिक को वापसी का मौका देंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा। 4 पॉइंट लीड अभी भी है देवराठी के पास।
बढ़िया प्रदर्शन इस बार, कोर्ट के दोनों तरफ भगाया हार्दिक को, और हार्दिक की भी थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, बैकहैंड पर इस बार बढ़िया रिटर्न करते नजर आए, लेकिन इस बार जो लिफ्ट किया क्रॉस कोर्ट खेलना चाहते थे कामयाबी नहीं मिली। अब लगता है कि ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं देव राठी। इस बार खराब शॉट, हाफ हार्टेड शॉट खेलते नजर आए, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच नजर आया इस रिटर्न में, और वहीं पर थोड़े से पीछे भी थे, लगभग डेढ़ स्टेप फॉरवर्ड जाकर लिफ्ट करना चाहते थे लेकिन वो पावर जेनरेट नहीं कर पाए, और इस बार चेयर अंपायर ने उनकी मांग को स्वीकारा है और उनको थोड़ा सा हाइड्रेट होने की अनुमति दी है। दूसरी तरफ बहुत कुछ चल रहा होगा हार्दिक मक्कड़ के जहन में, टॉप सीट खिलाड़ी हैं, पहला गेम जीता उसके बाद अपनी लय खो बैठे और यहां पर शॉर्ट सर्विस भी कर बैठे हैं। इस तरह की गलती इस मोमेंट पर टॉप सीट प्लेयर से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की जाती है, और कुछ हिदायत देते हुए वहां पर चेयर अंपायर देव राठी को, 5 अंकों की बढ़त, 4 अंक दूर हैं इस गेम को और गोल्ड मेडल को जीतने से। बेहतरीन क्रॉस कोर्ट शॉट खेला है यहां पर और चारों खाने चित कर दिया एक ढंग से। देवराठी को देखिए, खराब रिटर्न था और बेहतरीन अंदाज में प्लेसमेंट। और इस बार गिव अप कर दिया, चूंकि इस बार बारी थी हार्दिक मक्कड़ की, एक नजर देखा जैसे ही टॉस पर शटल थी कि कहां पर किस पोजीशन में है और मुझे कहां प्लेस करना है। क्या ये वापसी का अवसर? जी नहीं, एक बार फिर बहुत तेज गति से शटल, अंडर आर्म शॉट खेलना चाहते थे और वहां पर कामयाबी नहीं मिली। 2 अंक दूर हैं इस गोल्ड मेडल को जीतने से देवराठी। अच्छा प्रयास किया था हार्दिक मक्कड़ ने, देवराठी ने भी जवाब दिया, 2 मरतबा कामयाब हुए और अगर इस बार कामयाब हो जाते तो यह शायद मैच पॉइंट उनके नाम आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफी एंक्शस मोमेंट्स हैं हार्दिक मक्कड़ के लिए, टॉप सीडेड खिलाड़ी काइंड ऑफ अपसेट हो सकता है अगर देवराठी स्वर्ण पदक जीतते हैं तो, क्योंकि देवराठी सेकेंड सीडेड हैं, दूसरी वरीयता प्राप्त हैं, हरियाणा से ही आते हैं दोनों खिलाड़ी, एक दूसरे के खेल को भली भांति समझते हैं, शटल चेंज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चूंकि अपोनेंट राजी नहीं है तो चेयर एम्पायर का भी निर्णय कि नहीं ये शटल ठीक है कैरी ऑन करने के लिए, गेम को आगे बढ़ाने के लिए। पुश किया था बैकहैंड पर बेसलाइन की दिशा में और ये बड़ा ट्रिकी शॉट होता है इसका जवाब दे पाना। आप देखें क्रॉस कोर्ट से आमतौर पर जवाब देते हैं खिलाड़ी, लेकिन यहाँ पर डाउन द लाइन रिटर्न का प्रयास था। और अब 5 गेम और मैच पॉइंट हैं देवराठी के पास 2015 पर। सर्विस करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर, अच्छा कंट्रोल, एक गेम पॉइंट और मैच पॉइंट छीना है हार्दिक मक्कड़ ने। अभी भी हालांकि 4 मैच पॉइंट का क्वेश्चन है, हार्दिक मक्कड़ के साथ डायलेमा यह है कि कोई गलती अफोर्ड कर ही नहीं सकते वो। ये तो आसान अंक है क्योंकि नेट से डिफ्लेक्ट होकर के शटल काफी ऊंची पहुंची थी, इस बार कामयाब हुए हैं। शटल को चेंज करवाने की 2 अंक पहले उन्होंने गुजारिश की थी, अब 3 मैच पॉइंट हैं, 2 मैच पॉइंट बचाए हैं हार्दिक मक्कड़ ने। एक और अनफोर्स्ड एरर आता हुआ, लगातार 3 मैच पॉइंट, गोल्ड मेडल मैच पॉइंट बचाने में कामयाबी मिली है हार्दिक मक्कड़ को। क्या यहां पर
20-20 की बराबरी कर इस मुकाबले में अपने लिए संभावनाएं बरकरार रखने में कामयाब होंगे। हार्दिक एक और अनफोर्स्ड एरर करीब पहुंचते हुए और बहुत ज्यादा नाखुश होंगे अपने आप से। देवराठी जी नहीं, यहां पर निराशा एक तरफ और एक तरफ उत्साह, उमंग और खुशी। देवराठी ने वो कमाल कर दिखाया है, शीर्ष वरीयता प्राप्त अपने ही राज्य हरियाणा के हार्दिक मक्कड़ को एक कठिन मुकाबले में हराकर SU5 मेन सिंगल्स के खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का जीत लिया है गोल्ड मेडल। क्या कमाल का मुकाबला था, और अंतिम समय में ऐसा लग रहा था कि हार्दिक मक्कड़ शायद 20-20 की बराबरी कर ले जाएं, लेकिन एक और अनफोर्स्ड एरर जो इस पूरे मुकाबले की कहानी रही है उसने हार्दिक मक्कड़ को इस मुकाबले से बाहर कर दिया और चैंपियन सेकेंड सीडेड देवराठी। क्या इंटरेस्टिंग मुकाबला रहा आनंद, और स्कोर लाइन जब स्क्रीन पर आएगी जिसके ओर मैं इशारा कर रहा था, देवराठी के कंटेक्स्ट में 19-21, 21-19, 21-19, तो ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि तीन गेम तक मैच चला हो और तीनों में आइडेंटिकल स्कोर हो। 5 मैच पॉइंट थे देवराठी के पास, 3 उन्होंने लूज किए, बहुत खुश होंगे। आज काइंड ऑफ उन्होंने अपसेट किया है, स्वर्ण पदक जीता है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा बैडमिंटन में यहां पर उन्होंने टाइटल जीता और SU5 कैटेगरी के वो चैंपियन बनकर के।